जलवा गए नूर गए के सरापा रजा का गए तस्वीरे सुन्नियत के चेहरा रजा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि नमाज में दुआ कुनूत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए तो नहीं, इसका जवाब है कि दुआ कुनूत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना। और जो दूसरा सवाल आपने किया है कि काफिरों की शादी में या सालगिरह में उनको तोहफा देना चाहिए या नहीं, कैसा है तोहफा देना, तो देखिए, अगर आपके उनसे ताल्लुकात ऐसे हैं कि अगर नहीं दिया जाएगा उस वक्त में, तो सालगिरह पर या शादी में, तो ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, समझे। उनसे हमारा कारोबार चल रहा है जिसकी वजह पर हमारा कारोबार ठप हो सकता है या हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में मसलहत के तहत देने की इजाज़त होगी, ठीक है ना। लेकिन बिला वजह ऐसी खुशी खां जो है, कुछ लोग होते हैं जो दे देते हैं, तो उससे जो है बचना चाहिए हर हाल में, जहाँ तक मुमकिन हो हत्तल इम्कान कोशिश करें के काफिरों को फिर जो है तोहफे वगैरह भी ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि बीवी से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर दिया तो क्या करना चाहिए। देखिए, हैज़ की हालत में जो है बीवी से हम बिस्तरी करना यह हराम है, अगर कर लिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की तौबा करें, माफ़ी मांगें और आइंदा ना करने का पक्का। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि यजीद को जहन्नमी कह सकते हैं, तो इसमें कोई कलाम नहीं है, कह सकते हैं, इसके लिए मना नहीं कहा गया कहीं भी कि यजीद को जहन्नमी नहीं कह सकते। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो आपने सवाल किया है कि मगरिब के टाइम नाखून काटना कैसा है, तो देखिए, मगरिब के टाइम जो है नाखून काटने में वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो वक्त ज़्यादातर दुआ की कबूलियत का वक्त होता, तो बेहतर है कि उस वक्त में मगरिब की अज़ान के वक्त जो है दुआ में मशगूल रहें, वरना अगर नाखून भी काट रहे हैं तब भी